हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए बनाते हैं आज करेले की कलौंजी। और करेले की कलौंजी बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेंगे। और मसाले में हम लेंगे पंचफोरन और उसे अच्छी तरह से भून लेंगे। और भूनने के बाद उसे एक अच्छा पाउडर बना लेंगे। उसके बाद अब करेले को धुल लिए हैं, उसे साफ़ कर लिए हैं। अब इसके बीच का जो गूदा है, इसे हम चक्कू की सहायता से या चम्मच की सहायता से, जिससे भी आसानी हो, उससे हम इसे निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इसे हम जल्दी में बना रहे हैं तो इसे डीप फ्राई करेंगे। गूदा निकालने के बाद देखिए, इसे दो चार एक ही साथ डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए ताकि ये जल्दी से तैयार हो जाएगा। तो ये फ्राई हो गया है, अब हम इसे बर्तन में निकाल लेंगे और जो दूसरा बैच भी बचा है उसे भी फ्राई कर लेंगे और फ्राई करके निकाल लेंगे। अब हम एक छोटा प्याज काट लेंगे बारीक बारीक। अब सरसों का तेल कढ़ाई में गर्म करेंगे और उसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल लेंगे और उसे अच्छी तरह से भूनेंगे। प्याज तब तक भूनेंगे जब तक कि प्याज लाल ना हो जाए। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डालने से प्याज अच्छी तरह से गल जाता है। और इसे अच्छे से भूनेंगे। अभी प्याज सफ़ेद ही है, अभी लाल हुआ नहीं है, तो इसे थोड़ा और भूनेंगे। इसे थोड़ा भूनने की और आ सकता है। उसके बाद जो हम पंचफोरन पीस के रखे हैं उसे इसमें डाल लेंगे और डाल के इसे चलाएंगे। और थोड़ा सा हल्दी डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और करेले में एक बात का और ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि करेला कड़वा होता है, तो इसमें नींबू का रस और आमचूर पाउडर ज़रूर डालें। इससे करेला टेस्टी बनता है। तो देखिए, हम आमचूर पाउडर डाले हैं और लास्ट में हम नींबू का रस भी डालेंगे। और ये हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसे ठंडा करके और धीरे धीरे करके एक एक करेले में इसे अच्छी प्रकार से भर लेंगे फिलिंग को, ताकि ये बाहर ना आए। अब ये भर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे, क्योंकि ये डीप फ्राई पहले से ही था। तो डाल के अब हम ये करेले की जो कलौंजी है, स्टफिंग जो करके करेला रखे हैं, इसे एक एक करके अच्छी तरीके से कढ़ाई में फैला देंगे और धीरे धीरे करके चलाएंगे। बहुत तेज़ी से नहीं चलाएंगे, धीरे धीरे चलाने से ये इसका मसाला बाहर नहीं आएगा। तो देखिए, इसे हम चला रहे हैं और फिर इसके बाद से इसे धीमी आंच पे कढ़ाई घुमा घुमा के इसे सेकेंगे। बहुत तेज़ आंच पे नहीं भूनना, नहीं तो ये जल जाएगा। तो धीमी आंच पे देखिए करेले की कलौंजी कितनी अच्छी तैयार हो गई है। और करेले की कलौंजी चावल दाल के साथ बहुत ही अच्छी लगती है और लगभग घरों में बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाइए और चावल दाल के साथ खाइए। मिल